सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस एक दिन छुट्टी के बाद, देखता हूँ आज कितना सारा पार्सल मिलता है और आज की कहानी मेरी क्या होती है। तो प्लीज़ आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग पे बने रहेगा। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के प्यार और सपोर्ट से बहुत ही जल्द 3K होने वाला है। ठीक है, तो मौसम तो जैसे का तैसा बना हुआ है, क्योंकि बारिश का मौसम स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी धूप निकलने की इतनी सी संभावना होती है। ठीक है, नहीं तो गर्मी में तो हालत ख़राब हो जा रहा था, पार्सल बांटते बांटते ऐसे इतना ज़्यादा तेज धूप निकलता था। चलिए चलते हैं, देखते हैं आज कितना सारा पार्सल मिलता है और आज दिन भर की कहानी मेरी क्या होती है। तो प्लीज़ शुरू से लेके लास्ट तक मेरे इस ब्लॉग पे बने रहेगा। चलिए चल। दोस्तों ऑफिस आ गया था और इधर मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना कि सुबह सुबह बारिश गिरी है, इसी कारण से देख ही सकते हैं पूरा सड़क जो है ना भीगा हुआ है। ठीक है, अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेता हूँ, तब तक ऑफिस भी खुल जाएगा, उसके बाद पार्सल छाटूंगा फिर निकलूँगा पार्सल बांटने। हालांकि आज पानी गिरने की संभावना ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन मौसम का क्या ही बता सकते हैं, कब क्या हो जाए। ठीक है, चलिए अभी इंतज़ार करते हैं भाई लोग का, कब तक आ जाते हैं सभी को। जी दोस्तों, अपना बाइक तैयार कर चुका हूँ और आज अच्छा खासा पार्सल मिल चुका है, लगभग 50+ पार्सल है। ठीक है, फटाफट डिलीवर करने की कोशिश करूँगा पानी गिरने से पहले। काफ़ी सारा पार्सल, दो झोली भर लिया हूँ, बैग में भर लिया हूँ, बड़ा बड़ा पार्सल भी है। चलिए देखता हूँ कितना टाइम लगता है पार्सल बांटने में। ठीक है, चलिए चलते हैं। भाई लोग अभी तक कोई नहीं निकला है, एक भाई निकल रहा है अभी। ये दोस्तों फर्स्ट स्टॉप पर आ गया था, इस कॉलोनी का एकमात्र आज पार्सल है। ठीक है, इस घर का, वो भी प्रीपेड पार्सल। अंदर से बंद है, पार्सल था। चलिए दोस्तों, इस कॉलोनी का एक पार्सल था, डाइपर बड़ा सा, फटाक से देख के आता हूँ। ठीक है, हालांकि OTP वाला पार्सल है, 9 नंबर, इसी घर का है। घर से कोई निकल ही नहीं रहे हैं, घंटी बजा रहा हूँ कोई नहीं निकल रहे हैं। एक बार और बजा के देख लेता हूँ, बज भी रहा है कि नहीं पता नहीं। मैडम पार्सल था, सभी कोई सो रहे होंगे। मैडम पार्सल था। मैडम, हाँ आइए। भाई देख ही सकते हैं, खेत पूरा नदी बन चुका है। फिलहाल इस घर का एक पार्सल लेके आया था, प्रीपेड पार्सल है। ठीक है, फटाक से देखे आता हूँ। हालांकि इधर ना बालू रख देने से कारण से यहाँ तक नहीं ले आ पाया बाइक। घंटी कहाँ यार? मैडम पार्सल था। मैडम, ओ भाई डॉगी भी है। मैडम पार्सल था। हाँ पे हो गया है। चलिए दोस्तों, एक झोली का जो पार्सल जो है ना लगभग ख़त्म कर चुका हूँ। ठीक है, देख ही सकते हैं, ज़्यादा पार्सल नहीं, इधर का पार्सल सटाक से ख़त्म करूँगा, ये झोली वाला, फिर उस झोली का छूँगा पार्सल की बोरी का, फिर फटाफट ख़त्म कर देंगे फिर, है कि नहीं। इधर देख ही सकते हैं पानी गिरा है, जिसकी वजह से पूरा एकदम रुक गया है पानी। भाई बोरी का पार्सल जितना था ना पूरा कन्वर्ट कर लिया है झोली में। ठीक है, फिलहाल इस घर का एक पार्सल था, लेकर आ गया हूँ, कस्टमर के पास कॉल कर दिया हूँ, नीचे आ ही रहे हैं। ठीक है, OTP चाहिए था मेरे पास,
2 9 डबल 2, एक बार देख लेते हैं अभी। हाँ पूछ लीजिए। ये दोस्तों फिलहाल इस घर का एक पार्सल लेके आया था, सीओडी पार्सल, ठीक है। और आज बहुत टाइम हो चुका है पार्सल बांटते बांटते। दोस्तों पार्सल दे दिया हूँ और सर जो बोले हैं कि गेट को बंद करके जाना, हालांकि मैं हमेशा बंद करके ही जाता हूँ क्योंकि गाय जो है ना अंदर घुस जाती है। मैं कहीं से भी जाता हूँ, किसी भी घर में जाता हूँ पार्सल देने के लिए, तो गेट अगर खुला भी रहता तो मैं बंद करके ही जाता हूँ। तो भाई ये तो दिक्कत से नहीं हो रहा, तो जाओ तो घुसने वाली थी शायद, चलते हैं। अभी ज़्यादा पार्सल बचा हुआ नहीं है, लगभग 6-7 पार्सल बचा हुआ, फटाफट डिलीवर करेंगे, ठीक है। अब जाना है वो वहाँ पे अपार्टमेंट, बड़ा सा अपार्टमेंट में वहाँ पर जाना है पार्सल देने। कुछ तो आज थोड़ा सा लेट हो गया है, नहीं तो इतना टाइम तक मैं पूरा पार्सल ही ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन आज एड्रेस का पार्सल लेके आया था, 3-4 पार्सल तो डिलीवर कर चुका हूँ, लेकिन एक पार्सल जो है ना कस्टमर कॉल ही नहीं उठा रहे। कम से कम 5-6 बार कॉल कर चुका हूँ, मैसेज भी कर चुका हूँ, लेकिन कस्टमर को पता नहीं लेना है कि नहीं लेना है ये कन्फर्म मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, या क्या करूँ मैं बता नहीं सकता। कस्टमर जो है ना कॉल उठा ही नहीं रहा, कोई भी रिस्पॉन्स दे ही नहीं रहा। मेरे को जहाँ तक लग रहा है ना कस्टमर को लेना नहीं होगा पार्सल, क्योंकि मैसेज का भी रिप्लाई नहीं दे रहा और कॉल भी उठा नहीं रहा है। और मैं एक दो बार कॉल नहीं किया, मैं 4-5 बार कॉल कर चुका हूँ, उठाना लेना चाहिए था, ठीक है। ज़्यादा पार्सल बचा हुआ नहीं है, 4-5 पार्सल बचा हुआ है, फटाफट ख़त्म करूँगा, क्योंकि देख ही सकते हैं मौसम फिर से चेंज हो रहा है, क्योंकि बीच में ना अभी धूप निकला था, अचानक से फिर से एकदम बादल कोहरा छा रहा है धीरे धीरे। तो कोशिश करूँगा जितना पार्सल बचा हुआ है, 4-5 पार्सल जो बचा हुआ है उसको तो डिलीवर कर दूँ। इस कस्टमर को लेना होगा तो फिर कॉल कर लेगा, मैं और एक दो बार कॉल कर लूँगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, और क्या ही कह सकते हैं, 6-7 बार कॉल और कर लूँगा, उसके बाद भी अगर कॉल रिसीव नहीं किया तो उसको फिर अटेम ही लगाना पड़ेगा। भाई यहाँ के एक पार्सल लेके आया था, कस्टमर जो है ना एड्रेस जैसा बताया था उसी एड्रेस पे आ गया हूँ, बोले कि जाली वाला गेट होगा आ जाइएगा, ठीक है। उसी एड्रेस पे आ चुका हूँ, कस्टमर जो है घर पे नहीं है। अच्छा ऋतिक सोनी यही का है ना, ₹200 नहीं क्या है? हेलो, ₹200 मांग रहे। हेलो हेलो, नहीं दिए हैं क्या? नहीं दोस्तों, लास्ट स्टॉप पे आ गया था, वाली क्रॉस स्कूल का पार्सल है, तो बोले कार वाले भैया के पास दे देने के लिए। प्रदीप कुमार, हाँ दे दीजिएगा, ठीक। हाँ चलिए दोस्तों, आज का काम पूरा ख़त्म हो चुका है, अब देखता हूँ नाश्ता वास्ता करके फिर पैसा वैसा जमा करूँगा, फिर निकलूँगा घर। यहीं पे आती है पीरियल मोनू स्कूल, इस स्कूल में। दोस्तों अपना काम ख़त्म करके वापस आ गया था और एकमात्र पार्सल जो है ना रिटर्न हुआ है, और नाश्ता करने गया था तो होटल जो है ना जिसमें खाता हूँ वो होटल खुला नहीं था, फिर सोचा फुल्की खा लूँ, लेकिन फुल्की वाला दुकान भी नहीं खुला, ठीक है। हालांकि पैसा वैसा जमा करके सोच रहा हूँ कि जाता हूँ कहीं से फुल्की खाऊँगा, क्योंकि बहुत मन कर रहा है फुल्की खाने का, एकमात्र कैंसिल हुआ है आज। ये दोस्तों पैसा वगैरह जमा कर चुका हूँ, थोड़ा मुँह हाथ धो लेता हूँ, थोड़ा पसीना थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। ₹50 पार्सल में एकमात्र पार्सल कैंसिल हुआ जो कस्टमर कॉल ही नहीं उठा, नहीं तो आज मेरा 50 में 50 डिलीवर हो जाता, ठीक है। कोई बात नहीं, पॉसिबल नहीं होता कि हर दिन पूरा पार्सल डिलीवर हो, ठीक है। चलिए चलते हैं गांधीनगर, वहाँ से फुल्की खा लूँगा, उसके बाद ही घर जाऊंगा, ठीक है। दोस्तों फिलहाल शाम हो चुका है और देख ही सकते हैं सामने जो बादल जो है ना ज़बरदस्त लग रहा है और ऊपर चांद, ठीक है। फिलहाल मैं नहा धोवा के तैयार हो चुका हूँ और हम लोग का ना काम चल रहा है, मिस्त्री आए हुए हैं, मतलब टंकी बना रहे हैं, ठीक है। चलिए वहाँ पे ले चलता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ। ये रहा सामने,
बन जाए आज में, आज कल लग जाए। तो भाई कल तक। हाँ क्या किधर हो बोलो। कल तक दोस्तों बन जाएगा अपना जो टंकी जो बन रहा है ना वो, उसके बाद बाथरूम जो है अंदर वाला उसको फिटिंग करेंगे, ठीक है। हालांकि बरसात है ना तो थोड़ा सा दिक्कत जाता है, रात के समय पानी वानी गिरता है तो, और जान ही सकते हैं बरसात के टाइम बहुत ही जहरीला सांप वगैरह निकलता है, क्योंकि गांव में हूँ, गांव में रहन सहन ऐसे ही होता है, कहाँ से सांप घुस जाए कोई पता नहीं, ठीक है। और भाई ज़बरदस्त व्यू आ रहा है, क्लीन। तो अचानक से हवा चलना स्टार्ट हो चुका है और मैं तैयार होके कहीं पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो आज के वीडियो का एंडिंग यहीं पे करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर ही दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं कल एक नया इंटरेस्टिंग और इसी तरह से नए ब्लॉग पे। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हल्का हल्का रिमझिम रिमझिम पानी भी गिर रहा है, ठीक है। बाय बाय बाय।